नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के सुरक्षित देश वापसी के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश और उत्तराखंड के सभी नागरिकों और छात्रों की सहायता की जा रही है। भीमताल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह नेगी को जान से मारने की धमकी मिली है। लाखन ने पूरे मामले में काठगोदाम थाने में अल्मोड़ा निवासी दो युवकों के खिलाफ जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर में औद्योगिक नगरी होने के चलते रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पंतनगर एयरपोर्ट के जरिए अब कानपुर तक हवाई सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। इस उड़ान सेवा के शुरू हो जाने से उधम सिंह नगर में आने वाले उद्यमियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हवाई सेवा शुरू होने की संभावना मार्च के अंतिम सप्ताह में जताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जारी तनाव ने अब युद्ध का रूप ले लिया है। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति चाहता है, ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे युद्ध को बढ़ावा मिले। साथ ही रक्षा मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार छात्रों सहित अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए सभी उपाय कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। लखनऊ में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और भारत के विराट कोहली को इस मामले में पछाड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का पात्र है, क्योंकि कानून के आधार वाली किसी नीति में वंश सहित अन्य धाराओं पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ युद्धक टैंक T90 के कमांडर साइट के रेट्रो संशोधन के लिए 1,075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना के 957 T90 टैंकों को रेट्रो मॉडिफिकेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति के आरक्षण देने के मसले पर केंद्र को उपलब्ध समसामयिक आंकड़ों पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत इस समय पावरफुल ग्लोबल प्लेयर बन चुका है और इसे इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला बयान सामने आया है। बाइडेन ने रूस पर और कड़ी पाबंदियां लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि G7 देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने को तैयार है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं। तो देश और प्रदेश के इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।